हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो आज के वीडियो में करेंगे रूट्स एंड विंग्स के क्लास फिफ्थ का नेक्स्ट लेसन। ओके, सो लेसन नंबर वन और एक पोएम हमने कर लिया था। आज करते हैं लेसन नंबर टू, अ लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जवाहरलाल नेहरू। सो लेसन का नाम है अ लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, तो उसका मतलब क्या है? एक लेटर एक पापा की तरफ से अपनी बेटी को, ठीक है। तो एक बेटी को एक पापा जो है एक लेटर लिख रहे हैं, एक चिट्ठी लिख रहे हैं, और वो पूरा लेटर ही है ये लेसन। हम उस लेटर को पढ़ेंगे। सो उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो डेज हैं उसके डेट से हमें मैच करने हैं। तो देखते हैं, देखिए चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ठीक है। उस दिन नेहरू जी का, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, और उसी दिन को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। देन गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर को। देन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। तो ये डेज आपको इस तरीके से मैच करने हैं। अब उसके बाद अब हम देखते हैं स्टोरी को रीड करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि जवाहरलाल नेहरू ना, उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, और इसीलिए हम जो है 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। तो उन्हीं की याद में हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो ये हमें पता चला, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी इंडिपेंडेंस के बाद। तो ब्रिटिश पीपल जो है इंडिया को रूल कर रहे थे, तो उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला है ना, तब उसके बाद हमारे पहले लीडर, वो है हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो कि थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के बहुत सारे लीडर्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ प्रिजन में गुजारी थी। प्रिजन क्या है? जेल में, ठीक है, जेल में गुजारी थी। तो उनको जेल क्यों हुई? क्योंकि वो इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ते थे, है ना, इंडिया की आजादी के लिए वो लड़ते थे। तो ये जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, जो हमारे इंडिया में रूल करते थे, वो उन्हें पकड़ के उन्हें जेल में डाल देते, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जो है जेल हुई थी उन दिनों में, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनको भी जेल जाना पड़ा था जब वो आजादी के लिए लड़ते थे इंडिया के लिए। एंड ही वॉज इम्प्रिजेंट, इम्प्रिजेंट मतलब जेल में कैद होना, ठीक है। तो जब ना ये जो जवाहरलाल नेहरू जब जेल में कैद थे, कौन सी जेल में? नैनी जेल में, ठीक है। तो वो नैनी जेल में कैद थे, तब वो जब जेल में थे, तब नेहरू जी ने अपने बेटी को एक लेटर लिखा था, और उनकी बेटी कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। सो इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी, और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, और ये लेटर उन्हीं को लिखा गया उनके 13th बर्थडे पर। तो वो लेटर हम रीड करेंगे। और नेहरू जी ना एक ग्रेट स्टेट्समैन के अलावा, एक लीडर होने के अलावा, वो एक राइटर भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी है। तो उन्होंने एक मूवमेंट में पार्ट लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो कि फ्रीडम के लिए था, इंडिया की फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ पर था? अहमदनगर फोर्ट में, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया था, और उसी के लिए उन्हें जेल भी हुई थी, और उसी जेल में बैठकर उन्होंने ये किताब लिखी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। और देखिए नेहरू वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लवर ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि हमें पता है नेहरू जी जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है, और इसी के कारण उनके बर्थडे के दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। अब तो अब हम चलते हैं लेसन को रीड करने। लॉन्ग बैक इन 1930 व्हेन ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, मैनी ऑफ अवर लीडर्स वेयर इन जेल्स। सो बहुत पहले 1930 की बात हो रही है, मतलब अभी जैसे 2022 चल रहा है ना, तो 1930 की बात हो रही है कि तब जो है ब्रिटिश इंडिया को रूल करते थे। उस समय में बहुत सारे हमारे इंडियन लीडर्स को ना जेल हुई थी, क्योंकि ये जो भी इन ब्रिटिश पीपल के खिलाफ थे, वो उन्हें पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो उन्हीं में देखिए जवाहरलाल नेहरू वॉज इन अ नैनी प्रिजन एट दैट टाइम। तो उस टाइम में जो नेहरू जी थे ना, वो नैनी प्रिजन में कैद थे। एंड देन It was then that he wrote this letter to his daughter Indira on her 13th birthday. और उसी समय में जब वो प्रिजन में थे, जब वो जेल में थे, उसी समय में उन्होंने जो है ये लेटर लिखा था अपनी बेटी इंदिरा को उनके 13th बर्थडे पे। तो चलिए अब इस लेटर को रीड करते हैं। माय डियर इंदिरा, तो अपनी बेटी को वो बोल रहे हैं कि मेरी प्यारी बेटी इंदिरा, ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन अ हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेस। सो जैसे कि आपका बर्थडे आ रहा है, तो आपको जो है आदत होगी अपने बर्थडे में हमेशा प्रेजेंट्स पाने की, यानी तोहफे, आपको तोहफे मिला करते होंगे अपने बर्थडे में, और गुड विशेस मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स लोग देते हैं, विश करते हैं बर्थडे में, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो आप अपने बर्थडे में एक्सपेक्ट करते हो, जो
आपको मिला करती है। ठीक है, गुड विशेस यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर। तो गुड विशेस तो हमेशा मेरे तरफ से आपको मिलेगा, वो भी इन फ्रेशर, मतलब भरपूर। बट वॉट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम द नैनी प्रिजन? पर मैं यहाँ पर इस प्रिजन में बैठे बैठे मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा सेंड कर सकता हूँ, यहाँ से क्या गिफ्ट मैं आपको भेज सकता हूँ, मतलब अपनी बेटी को लेटर में लिख कर बता रहे हैं। माई प्रिजन कैन नॉट बी वेरी मटीरियल और सॉलिड। मैं जो है एक मटीरियल या सॉलिड, यानी जो तोहफे लोग खरीदते हैं वैसा तोहफा जो है मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, मेरा तोहफा वो नहीं है तुम्हारे लिए। बट दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। बट मैं तुम्हें जो है कुछ सोच देना चाहता हूँ, कुछ बातें तुमसे बताना चाहता हूँ। तो पापा बता रहे हैं बेटी को, ठीक है, मैं जो है माइंड और स्पिरिट, माइंड मतलब अपने दिमाग में मैं तुम्हें एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, ना कि कोई मटीरियल का बना तोहफा मैं तुम्हें भेजूंगा। मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ थॉट्स तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। थिंग्स दैट कैन इवन द हाई वॉल्स ऑफ द प्रिजन कैन नॉट स्टॉप। और वो ऐसी चीजें होंगी जो इस प्रिजन की, जो इस जेल की ऊंची दीवारों को भी पार करके तुम तक पहुंच सकती है। मतलब कोई तोहफा नहीं देना चाहता, मैं कुछ बातें तुम्हारे से बताना चाहता हूं जिन्हें तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए ये ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। ठीक है, मतलब जो उस जेल की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो भी नहीं रोक सकती मेरे इस थॉट को तुम्हारे तक पहुंचाने में। You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice. So, मेरी जान, तुम्हें पता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है sermonizing करना, doling out करना, मतलब बड़े लंबे लंबे लक्चर देना, भाषण देना, जैसे मम्मी पापा बच्चों को देते हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जैसे अच्छी आदतों के ऊपर बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं, लंबी लंबी बातें बताते हैं, वैसा भाषण मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। I have always thought, मैं हमेशा सोचता था that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done is not by giving a sermon but by talking and discussing about it. तो नेहरू जी बोल रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है ये फैसला लेने के लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम साथ में बैठ के बातें कर सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उन्हें ये सही नहीं लगता था कि कोई किसी को बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे कि तुम्हें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो कोई किसी को बताने से अच्छा वो लोग आपस में बैठ के उसके बारे में बात करें और डिस्कस करें और देन कुछ सोचे। ठीक है, क्योंकि डिस्कस करने से, आपस में बात करने से ही चीज़ें बनती है, ना कि बहुत लंबे चौड़े भाषण से। आउट ऑफ डिस्कशन समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना एक दूसरे से, जब हम डिस्कस करते हैं तो कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच भी बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तभी हमारे मन की बात बाहर आती है। तो I have liked my talks with you. तो मैं जब भी तुमसे बात करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये बता रहे हैं नेहरू जी अपनी बेटी को। And we have discussed many things. और हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने लाइफ में डिस्कस भी की है। But the world is wide. But दुनिया जो है बहुत बड़ी है। And beyond our world lie another wonderful and mysterious worlds. तो हमारी इस छोटी दुनिया के अलावा बाहर भी एक दुनिया है जो कि बहुत ही wonderful है, amazing है, बहुत ही अद्भुत दुनिया है बाहर, मिस्टीरियस, ठीक है, मतलब बहुत ही अद्भुत दुनिया है बाहर जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो नन ऑफ अस नीड एवर बी बोर्ड एनी और इमेजिन दैट वी हैव लर्नड एवरीथिंग वर्थ लर्निंग एंड बिकम वेरी वाइज। अभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है ना, हमने सब कुछ सीख लिया है, हमें सब कुछ पता है, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें जो है लाइफ में जब भी मौका मिले सीखते चले जाना चाहिए, तभी हम आगे जाकर बहुत ही होशियार बनेंगे, वाइज बनेंगे। ठीक है, तो दुनिया को देखना सीखो, मतलब दुनिया को पढ़ना सीखो, समझना सीखो कि ये वर्ल्ड क्या है, और सोचो कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, क्या हो रहा है, मतलब वर्ल्ड को पढ़ना सीखो, जानना सीखो। तो ये बता रहे हैं बट What am I do then? Letter can hardly take place of a talk. At best, it is one-sided affair. So, देखिए एक बात करने की तरह हम letter में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि letter देखिए एक one-sided affair है। One-sided affair मतलब सिर्फ एक ही बंदा बोल रहा है, सिर्फ एक ही person बात कर रहा है, दूसरे person का reply नहीं मिल रहा है उस time में, है ना। जब हम letter लिखते हैं तो एक person ही लिखता जा रहा है, पर जब हम बात करते हैं तो एक person बोलता है, दूसरा सुनता है और तुरंत reply भी करता है। तो discussion
रिलेशन की तरह नहीं है लेटर, लेटर जस्ट एक वन साइडेड अफेयर है। तो यहाँ पर बैठकर मैं सिर्फ एक लेटर में ही बता सकता हूँ, इमेजिन दैट आई हैव मेड अ सजेशन टू यू टू थिंक ओवर एज इफ वी रियली वेयर हैविंग अ टॉक। सो इमेजिन करो कि मैं हम जो है रियली बात कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें एक सिर्फ एक लेटर लिख रहा हूँ, आप सोचो कि हम जो है साथ में बैठकर अभी बात कर रहे हैं। तो लेटर की तरह मत लो, मतलब मेरी बातों को जस्ट एक लेटर की तरह मत लो। तो इस तरीके से इमेजिन करने के लिए नेहरू जी बोल रहे हैं बेटी को। अब जाकर जो है वो बात बताने वाले हैं, जो वो बेटी को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, देखिए, इन हिस्ट्री हमारे पास्ट में वी रेड ऑफ ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ नेशंस ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। हमने अपने पास्ट में, हमने अपने इतिहास में, ठीक है, मतलब पुराने समय की बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है, बहुत बड़े ग्रेट मैन और वुमेन, मतलब बहुत बड़े बड़े आदमियों के बारे में हमने पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े औरतों के बारे में हमने पढ़े हैं, मतलब पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। डू यू रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड यू वेयर वेन यू फर्स्ट रेड द स्टोरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क एंड हाउ Your ambition was to be something like her। जब वो छोटी थी तो उसने ये स्टोरी पढ़ी थी और उससे वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी और उनको जो है एम्बिशन था, एम्बिशन मतलब एक एम रखना, ठीक है, और वो जो है उस स्टोरी में जो कैरेक्टर है ना उसकी तरह ये इंदिरा भी बनना चाहती थी। तो जो है नेहरू जी उन्हें याद दिला रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है जब तुमने जॉन ऑफ आर्क वाली स्टोरी पढ़ी थी और तुम उससे इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई थी कि तुम जो है उसी की तरह बनना चाहती थी। अब देखिए, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक। अब जो साधारण मैन और साधारण जो आदमी औरतें लोग होते हैं वो इतने हीरोइक नहीं होते, मतलब इतने ज़्यादा ब्रेव नहीं होते, इतने ज़्यादा साहसिक नहीं होते। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, मतलब वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं। ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों को कैसे पाल पोसे और अपने जो घर के छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बस यही चीज़ें हैं जो आम आदमी सोचता है। बट अ टाइम कम्स, बट कभी कभी जो है एक समय आता है व्हेन अ होल लॉट ऑफ पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन अ ग्रेट कॉज। पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि इंसान जो और साधारण इंसान है उसके ऊपर भी इतना संकट आ जाता है कि वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। यही वो बताना चाह रहे हैं। देखिए, देन हिस्ट्री हेल्प्स इवन सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन टू बिकम हीरोज। और जो है जब उनके ऊपर इतना संकट आता है ना, किसी आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आता है या प्रेशर आता है तो वो भी जो है एक हीरो में बदल जाता है, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी मैन भी जो है हीरो बन जाता है जब समय बदल जाता है। देन ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम विच इंस्पायर्स अ होल लॉट ऑफ पीपल एंड मेक्स देम डू ग्रेट डीड्स। सो हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनमें भी कुछ तो था जिससे वो मोटिवेट हुए कि वो भी आगे जाकर बहुत बड़े ग्रेट लीडर मिले। तो नेहरू जी जो है ये बताना चाहते हैं अपनी बेटी को कि एग्जांपल्स देखो, जो ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं उनसे कुछ सीखो। और ये जो ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने बाकी लोगों को भी इतना इंस्पायर किया है, इतना मोटिवेट किया है कि वो लोग भी आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े काम करने लगे हैं। तो वो भी जो है अपनी बेटी से वो कह रहे हैं कि तुम भी आगे जाकर एक बहुत बड़ा लीडर बनो और अपने देश की सेवा करो। तो यही जो है वो अपने बेटी को बताना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोगों के एग्जाम्पल से। सो अब नेहरू जी जो है अपनी बेटी को एक ग्रेट लीडर के बारे में बता रहे हैं कि कोई ग्रेट लीडर, और वो कौन है, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में अभी जो है नेहरू जी बता रहे हैं कि एक ग्रेट लीडर है, जैसे तुम्हें पता है, फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफर। तो देखिए, जो वो लीडर जो सभी लोगों से प्यार करते हैं और जिसने सफ़र किया है, मतलब जिन्होंने भुगता है दूसरे लोगों के लिए, जिन्होंने काफ़ी मुश्किलें झेली हैं, एंड इज़ ऑलवेज ईगर टू हेल्प देम, और हमेशा उत्सुक रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, ऐसे एक लीडर के बारे में तुम्हें पता होगा। एंड देखिए, हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल टू ग्रेट एक्शंस एंड नोबल सैक्रिफाइस। और उन्होंने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, मतलब उन्होंने बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, मोटिवेट किया है बड़े बड़े काम करने के लिए, ग्रेट एक्शंस लेने के लिए और एक नोबल सैक्रिफाइस। बहुत लोग हैं जो उनसे प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपने पूरी लाइफ को जो है सैक्रिफाइस किया है देश के लिए। तो वो लीडर के बारे में बता रहे हैं। एंड देखिए, ही हैज़ हेल्प्ड टू मेक द स्टार्विंग द पुअर
एंड द ऑप्रेस्ड फ्री एंड हैप्पी. और उन्होंने जो है हेल्प किया है, मदद किया है कौन कौन लोगों की, स्टार्विंग, जो भूख से मर रहे हैं ऐसे लोगों की मदद उन्होंने की है, और जो पुअर पीपल हैं गरीब लोगों की उन्होंने मदद की है, एंड ऑप्रेस्ड देखिए जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, जो समाज में जिनको अच्छा पोजिशन नहीं दिया जाता, जो नीच लोग होते हैं, तो इन सभी लोगों को, भूखे लोगों को, गरीब लोगों को, और जो लोगों को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सहना पड़ता था, उन सभी लोगों को जो है गांधी जी ने फ्री किया है, आज़ाद किया है, और उनको खुशी दी है, हैप्पीनेस दिया है. मतलब उन्होंने उनकी मदद के लिए बहुत सारे काम किए हैं. बापूजी इज इन प्रिजन बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियंस. सो देखिए वैसे तो बापूजी मतलब कौन है, बापूजी कौन है, गांधी जी. ठीक है, गांधी जी को प्यार से सभी लोग बापू कहते थे. सो देखिए वैसे कि तुम्हें पता है बापूजी अभी तो जेल में है, बट द मैजिक पर उनकी बातों का जो जादू है उसने लोगों का दिल जीत लिया है. मतलब कितने लोगों को, मिलियंस लोगों, इंडिया के मिलियंस लोगों का दिल जीत लिया है गांधी जी के मैसेज ने. उनको लोग मतलब बहुत प्यार करते हैं. देन मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर लिटिल शेल्स एंड बिकम इंडिया सोल्जर्स फॉर फ्रीडम. और उनकी बातों से इतने लोग प्रभावित हुए हैं कि कई सारे आदमी लोग, बहुत सारी औरतें और इवन छोटे बच्चे तक अपने शेल से निकल आए हैं. मतलब अपनी दुनिया, अपनी छोटी सी दुनिया उन्होंने छोड़ दिया है और आज बड़े बड़े सोल्जर्स बन गए हैं इंडिया के लिए. मतलब देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे और कई आदमी और औरतें जो है अपने घर से निकल कर आई हैं देश के लिए लड़ने के लिए और अपनी जान दे रही हैं. इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री. तो आज जो हो रहा है हम क्या कर रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री बना रहे हैं ना. तो उन दिनों में जो हुआ था वही है जो आज हम हिस्ट्री करके पढ़ रहे हैं. एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग. और मैं और तुम, तो नेहरू जी बोल रहे हैं, और मैं और तुम बहुत लकी हैं. फॉर्चुनेट मतलब हम लकी हैं कि हम ये सब देख रहे हैं जो अभी हमारे देश में हो रहा है. बिफोर आवर आइज आज हम दोनों जो है अपनी आँखों से ये सब देख पा रहे हैं, पर जो लोग आने वाले हैं उनके लिए ये सब एक हिस्ट्री होगा. वो देख नहीं पाएंगे, वो सिर्फ ये सब पढ़कर जान पाएंगे. ठीक है, तो हम दोनों लकी हैं जो अभी हम ये सब देख रहे हैं अपनी आँखों से. एंड टू टेक सम पार्ट आवर सेल्फ इन दिस ग्रेट ड्रामा. और ये जो ग्रेट ड्रामा हो रहा है भारत में, जैसे कि ब्रिटिश लोग आ रहे हैं, लोगों को रूल कर रहे हैं, आज हम दोनों जो है अपनी आँखों से ये सब देख पा रहे हैं. What part shall we play in it? तो अब जैसा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है हमारे देश में, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या रोल अब यहाँ पर प्ले करना चाहिए, मतलब अब हमें क्या करना चाहिए आगे. इफ़ वी आर टू बी इंडिया सोल्जर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियाज ऑनर्स एंड दैट ऑनर इज अ सैक्रेड ट्रस्ट. इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड वॉट इज राइट और वॉट इज रॉन्ग. सो अगर हम देश के सैनिक होते तो हमें जो है देश की मर्यादा की रिस्पेक्ट करनी होती, तो ये आसान नहीं है. तो वो बता रहे हैं कि देखिए आसान नहीं है फैसला करना क्या सही है क्या गलत है, है ना. तो ये बहुत मुश्किल है कि आगे हम जो भी करेंगे अपने देश के लिए कि वो सही है या गलत, ये फैसला करना बहुत मुश्किल है. पर देखो बट वन लिटिल टेस्ट, तो वो बता रहे हैं कि पर मैं एक बात तुमसे बताना चाहूँगा. आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट. जब भी तुम उस पॉइंट पे पहुँचोगे जब तुम्हें सोचना होगा कि क्या सही है क्या गलत. मतलब जब भी हम अपने लाइफ में काम करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो हमें हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा. तो जब तुम्हें भी लाइफ में ये क्वेश्चंस आएंगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू विश टू हाइड. तो ऐसा कोई चीज़ मत करना जिससे तुम्हें छुपाना पड़े. मतलब ऐसा कोई काम मत करना जो तुम्हें छुपाना पड़े लोगों से, मतलब जिसके बारे में तुम्हें लोगों को बताने में शर्म आए या तुम्हें छुपना पड़े. वैसा चीज कभी नहीं करना, वैसा रास्ता कभी नहीं चुनना. फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मींस यू आर अफ्रेड एंड फियर इज अ बैड थिंग एंड अनवर्दी ऑफ यू. तो अगर ऐसा कोई चीज तुम कर
करोगे, जिसे तुम दोगों से छुपाओगे, तो उसका मतलब है कि तुम अफ्रेड हो, मतलब तुम डर रहे हो, तुम्हारे अंदर डर है। और फियर एक बैड थिंग है और डर एक बहुत बुरी बात है जो कि तुम्हें शोभा नहीं देती। ठीक है, तो ये बात बता रहे हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी आए, कोई डाउट आए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो तुम ऐसा रास्ता कभी मत चुनना जिससे तुम्हें लोगों के छुपाना पड़े। मतलब हमेशा सही चीज़ को चुनने का रास्ता वो बता रहे हैं अपनी बेटी को। बी ब्रेव, हमेशा साहसिक रहो, एंड द रेस्ट एंड ऑल द रेस्ट फॉलोस, और फिर बाकी जो है वो तुम्हें फॉलो करता चले जाएगा। मतलब अच्छाई तुम्हारे पीछे खुद आ जाएगी, पर तुम खुद को ब्रेव रखो, साहसिक बनो। यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मोमेंट अंडर बापूजीज लीडरशिप देर इज नो रूम फॉर सीक्रेसी और हाइडिंग। और जैसे कि तुम्हें पता है, अभी जो ग्रेट मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, मतलब हमारी जो लड़ाई चल रही है आज़ादी के लिए, जो गांधी जी के नेतृत्व में है, मतलब जो गांधी जी के लीडरशिप में हम लोग जो सब लड़ रहे हैं इस देश के लिए, उसमें कोई जगह नहीं है, उसमें सीक्रेट की, हाइडिंग की, मतलब छुपाने की, ऐसे गलती करने की कोई जगह नहीं है। नो रूम फॉर सीक्रेसी, मतलब इस गलती के लिए या फिर कुछ चीज छुपाने के लिए, मतलब कुछ गलत करके फिर उसे छुपाना, उसके लिए कोई जगह नहीं है हमारे इस मोमेंट में। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट वी डू और वी से, हमें किसी से कुछ कहने के लिए नहीं डरना और ना ही कुछ करने के लिए डरना है। अपने मन से डर को हटाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, हम जो काम करते हैं वो खुले आम करते हैं, मतलब अंडर द सन, मतलब सो पूरे उजाले में काम करना सीखो, जो कर रहे हो खुलकर करो, सबके सामने करो, कोई सीक्रेट चीज़ें ना करो, जो ऐसी कोई चीज़ें मत करो जिससे कि तुम्हें वो लोगों से छुपाना पड़े, मतलब गलत काम कभी मत करो, ठीक है। इवन सो इन अवर प्राइवेट लाइफ्स, अगर हमारा वो प्राइवेट लाइफ हो, मतलब हमारे प्राइवेट लाइफ में भी, हमारा जो निजी जीवन है उसमें भी, लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट। और जो हमारा प्राइवेट लाइफ है, मतलब जो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते, जो हम सभी लोगों के साथ शेयर नहीं करते, उसमें भी ऐसे दोस्त बनाओ जिनके साथ आप काम कर पाओ खुलकर, मतलब बिना किसी राज के। ऐसे दोस्त बनाओ जिसके साथ तुम खुलकर काम कर पाओ, ठीक है, बिना किसी सीक्रेसी के, मतलब अच्छे दोस्त बनाने के लिए कह रहे हैं। एंड डू नथिंग सीक्रेटली, दोस्त भी ऐसे बनाओ जिनके साथ तुम खुलकर शेयर कर पाओ चीज़ों को। एंड If you do so, my dear, you will grow up a child of light. और बेटी, तुम अगर ऐसा कर पाओगी अपने लाइफ में, तो तुम भी आगे चलकर एक उजाले की तरह खिलोगी, एक रोशनी बनोगी सबके लिए, मतलब तो तुम भी आगे जाकर बहुत ब्रेव बनोगी, मतलब बहुत ही साहसिक बनोगी। चाइल्ड ऑफ लाइट मतलब जिसके मन में कोई घबराहट ना हो, कोई डर ना हो, ऐसी एक बच्ची तुम भी आगे जाकर बनोगी। अनअफ्रेड, जो किसी से ना डरती हो। एंड सरीन, सरीन मतलब काम, बहुत ही शांत हो, बहुत ही पीसफुल, शांत रूप से सब कुछ करो, लेकिन बिना डरे करो, किसी से कुछ ना छुपाओ। एंड अनरफल्ड, व्हाटएवर मे हैपन मतलब चाहे जो भी हो, तो ऐसा बनने के लिए अपनी बेटी को वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। एंड आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू, अब देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना लंबा लेटर लिख लिया है। एंड येट, और अभी भी, देर इज सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू, इतना लंबा लेटर लिखने के बाद भी मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बट हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, बट छोटे लेटर में इतनी सारी बातें मैं कैसे बता पाऊंगा, है ना। तो एक लेटर कितना उठा पाएगा, जितना पेज है उतना ही मैं लिख सकता हूँ, पर मेरे मन में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में बोल रहे हैं गुड बाय, मतलब बाय, बाद में मिलते हैं। लिटिल वन, लिटिल वन मतलब बच्ची, छोटे बच्चों को हम लिटिल वन बोलते हैं। एंड यू मे ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस, मेरी इच्छा है कि तुम एक ब्रेव सोल्जर की तरह बनो, आगे जाकर भी साहसिक बनो, सोल्जर बनो जो इंडिया की सर्विस के लिए काम आए, जो कि अपने देश के काम आए, देश की भलाई के लिए तुम भी काम करो एज अ ब्रेव सोल्जर। विथ ऑल माई लव एंड गुड विशेस, योर लविंग फादर
जवाहरलाल नेहरू। तो इसी तरीके से वो लेटर अपना ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेसन देखा आपने, पूरा लेटर है जो कि हमें रीड करके हमें पता चला कि कितने उस समय के लोग जो है कितना कुछ कर उन्होंने जो है आज़ादी हमारे भारत को दिलाई थी, है ना। ओके, सो यही आपका लेसन था, अ लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। होप कि आपको समझ में आया होगा लेटर में क्या क्या बातें बताई हैं। नेहरू जी जो है अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं और इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए कह रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए कह रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो यही आपका लेसन है और यहाँ पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।